यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अब कांग्रेस हरियाणा में होने वाले नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़े जाएंगे। ये कार्यकर्ताओं की मंशा है। ये ऐलान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने रोहतक में किया है। वो अपनी साइकिल यात्रा के तीसरे चरण के लिए रोहतक में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। उनकी ये यात्रा अब रोहतक में होगी और इसकी शुरुआत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई से की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 के चुनावों में प्रदेश में युवाओं को मौका दिया जाएगा। जिस भी सीट पर बदलाव की जरूरत होगी वहां पर बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा अशोक तंवर ने सूरजकुंड में हुए बीजेपी के मंथन शिविर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिविर को चाय पकौड़ा पार्टी करार देते हुए कहा कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए अब ये टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो लीडरशिप का भी मानना है और मैं समझता हूँ कि ये कार्यकर्ताओं की भावना भी है, लेकिन सिंबल के अभाव में वहाँ पर बीजेपी एक दो जगह कामयाब होगी। हमने हालांकि सीनियर डिप्टी मेयर जीता और जीता, तो मेयर भी हैं पुराने कांग्रेसी रहे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं अनिश्चितता और एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो भविष्य में ये ना हो, जो हमारे वोट हैं उसका बंटवारा ना हो, एक तरफ संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ करके हम उस लड़ाई को जीत सकें और भ्रष्टाचार खत्म कर सकें, ये हमारी कोशिश आगे रहेगी।